हिल्डा गोबल्स नाजी प्रोपोगंडा मिनिस्टर योसेफ गोबल्स की सबसे बड़ी बेटी थी। योसेफ गोबल्स और उनकी वाइफ मैग्डा गोबल्स को 6 बच्चे थे। हिल्डा सबसे बड़ी थी और 12 साल की थी। उसके बाद हेडविग 10 साल की थी, फिर हेलमट जिसका एज 9 साल था, फिर 3 लड़कियां, हिल्डेगार्ड 7 ईयर्स की थी, होल्डीन 6 ईयर्स और हेट्रन 4 ईयर्स की थी। आपने नोटिस किया होगा कि सभी बच्चों के नाम एच से शुरू होते हैं। इन्होंने पर्पसली हिटलर के इनिशियल लेटर एच को यूज़ किया था। उस समय बाकी नाजी लीडर्स ने अपने बच्चों को जर्मनी से बाहर किसी और कंट्री में भेज दिया था, क्योंकि जर्मनी में रहना उनके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। पर नाजी प्रोपोगंडा मिनिस्टर योसेफ गोबल्स को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को जर्मनी में ही उनके साथ रखने का डिसीजन लिया और कहा कि ऐसा करने से उनके बच्चे नाजी पार्टी के करीब रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक गर्व की बात थी कि गोबल्स फैमिली के ये 6 बच्चे नाजी जर्मनी के आदर्श बच्चे बन गए थे। उस समय हिटलर के बच्चों के साथ बहुत से प्रोपोगंडा वाले पिक्चर्स सामने आ रहे थे, जिससे यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हिटलर बच्चों के प्रति कंसिडरेट है और उनके लिए केयर करते हैं। एडोल्फ हिटलर की अपनी खुद की कोई संतान तो नहीं थी। हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि हिटलर गोबल्स विला में काफ़ी समय बिताया करते थे और गोबल्स के बच्चे हिटलर के फेवरेट बच्चों में से एक थे। इस नाजी डिक्टेटर की सबसे फेवरेट थी हेल्गा गोबल्स। हेल्गा को अपनी माँ से ज़्यादा अपने पापा के पास रहना पसंद था। नाजी ऑफिशियल्स की बातें वो बड़े इंटरेस्ट से सुनती थी और उसे वो बहुत पसंद भी करती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि हिटलर उसे अपने गोद में बिठाकर खेला भी करते थे, और इतना ही नहीं तो उसे हॉट चॉकलेट पिलाने के लिए बाहर भी ले जाया करते थे और कभी कभी पास के किड्स पार्क में भी ये घूमने जाते थे। हिटलर ये मजाक में जोक भी करते थे कि अगर हेल्गा उनके उम्र की होती तो दोनों मैरिज के लिए एक अच्छा कपल भी बन सकते थे। मीडिया में इन बच्चों का अच्छा प्रेजेंस था। हेल्गा और हिल्डेगार्ड अपने पिता योसेफ के साथ काफ़ी बार फोटोग्राफ्स में नजर आती थी। 1938 अगस्त के पब्लिक रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट के समय हेल्गा, हेलमट और हिल्डेगार्ड अपने पेरेंट्स के साथ नजर आए, डोमेस्टिक रिकंसिलिएशन के आइडियल को रिप्रेजेंट करते हुए। 1942 में 34 टाइम्स ये बच्चे वीकली न्यूज में दिखाए गए। इन वीडियोस में ये बच्चे अपनी माँ को हेल्प करते हुए और गार्डन में खेलते हुए दिखाए गए थे। अक्टूबर 1942 में जर्मनी न्यूज़ रील कंपनी ने योसेफ गोबल्स को इनके बच्चों के खेलते हुए वीडियोस की एक फिल्म भी बनाकर गिफ्ट दी थी। कैथी हबनर गोबल्स फैमिली के बच्चों की गवर्नेंस का काम करती थी, यानी उन्हें पढ़ाने और उनकी देखभाल करने के लिए उसे एम्प्लॉय किया गया था। हबनर इस फैमिली के लिए 2 सालों से काम कर रही थी। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जिसमें इस गवर्नेंस का लिखा हुआ पर्सनल मेमोयर यानी डायरी मिली। इस मेमोयर में हबनर ने बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया है। योसेफ को पता था कि हिटलर और उनकी नाजी पार्टी की हार निश्चित थी और वो उनकी हार और डेथ को एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बाकी नाजीज ने तो अपने बच्चों को सेफली दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया था, पर गोबल्स फैमिली ने एक सच्चे नाजी होने का फर्ज को निभाने के लिए अपने बच्चों को भी अपने साथ खतरे में डालने का डिसीजन लिया। 1945 के अप्रैल में गोबल्स फैमिली ने अपने सभी बच्चों को हिटलर के बंकर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि रशियन आर्मी बर्लिन पहुंचने वाली थी और 22 अप्रैल 1945 को फाइनली रशियन आर्मी यहां पहुंच गई। चलिए देखते हैं कि ये बंकर आखिर कैसा था। हिटलर ने फ्यूरर यानी डिक्टेटर का बंकर, इस बंकर को नाजीज का फाइनल हेडक्वार्टर्स बना दिया था। ये एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर था जहाँ से नाजीज अपने सभी सीक्रेट मीटिंग्स और ऑर्डर्स को रेगुलेट करते थे। इसके इंटीरियर में हाई क्वालिटी फर्नीचर था और बहुत सारे आर्टवर्क से भी इसे डेकोरेट किया गया था। इसमें फूड स्टोरेज के लिए एक स्पेशल जगह भी अलोकेट की गई थी। इस बंकर को पहले एयर रेड शेल्टर्स के पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था जब हिटलर बर्लिन के राइट चांसलरी में रह रहे थे। हिटलर ने बर्लिन में ज्यादा समय तो नहीं बिताया, पर यह बंकर वॉर के फाइनल मंथ्स में काफी यूजफुल साबित हुआ। इसके पूरे स्ट्रक्चर को फ्यूरर बंकर के नाम से जाना जाता है और इसे 2 सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन को वोआ बंकर कहते हैं और ये सेक्शन थोड़ा छोटा है और ज्यादा डीप नहीं था और राइट चांसलरी के सेलर के ठीक नीचे लोकेटेड था। वोआ बंकर को एक्सेस करना काफी इजी था और इसकी प्रोटेक्शन के लिए चांसलरी के रीइंफोर्समेंट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था और इसका कंस्ट्रक्शन भी इतना स्ट्रांग नहीं था। जब हिटलर फ्यूरर बंकर में शिफ्ट हुए तब गोबल्स फैमिली भी यहाँ रहने आई और वोआ बंकर को अपना घर बना लिया।
दूसरा सेक्शन था फ्यूरर बंकर, जो काफ़ी बड़ा था और वुआ बंकर के पिछले स्पेस में बनाया गया था। इस बंकर में एंटर करने के लिए सिर्फ वुआ बंकर से ही रास्ता बना था। ये बंकर ज़मीन के बहुत नीचे डेप्थ तक जाता था और चैंसलरी गार्डन के आगे तक अंडरग्राउंड एक्सटेंड करता था। इसकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा रीइन्फोर्समेंट थी और वुआ बंकर से पूरी तरह सील करने के बाद इसको एंटर करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अंडरग्राउंड होने के कारण इसमें ज़्यादा मॉइस्चर जम जाता था, पर इसे हेविली डेकोरेट किया गया था। फेमस आर्टवर्क और कीमती फर्नीचर से इसे सजाया गया था। इसमें फ्रेडरिक द ग्रेट, जो एक बड़े राजा थे, उनकी पेंटिंग भी लगाई गई थी। यहाँ दो बेडरूम्स थे, एक हिटलर और दूसरा हिटलर की वाइफ इवा ब्राउन के लिए। इस बंकर में एक कॉन्फ्रेंस और एक वेटिंग रूम भी लोकेटेड था। किचन और डाइनिंग रूम वुआ बंकर में बनाए गए। बंकर में जाने के बाद मैग्डा कोयबल अपने बच्चों को देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसे उन्हें देखकर रोना आता था। इसी कारण हिटलर की सेक्रेटरी ट्रॉडल यंग को बच्चों की देखभाल का काम सौंपा गया था। यंग ने बताया कि बच्चे हमेशा खुश रहते थे और उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। सभी बड़े लोगों ने बच्चों से कई बातें छुपा कर उन्हें ये भयानक सच से दूर रखा था। सिर्फ हेल्गा इन बच्चों में सबसे बड़ी थी और अब बड़ों की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन दिखाई देने लगा था। सभी लोग इन बच्चों से कुछ छुपा रहे थे, इसका अंदाज़ा हेल्गा को लग चुका था। कैथी हबनर, जो गोयबल्स फैमिली की गवर्नेंस थी, उनकी स्टोरी द चिल्ड्रन ऑफ द राइट मिनिस्टर इस बुक में बताई गई है। इसमें ये कहा गया है कि हेल्गा अकेली लड़की थी जो इन लोगों के झूठ बोलने पर सब समझ रही थी, और जब हेल्गा की माँ उसे कहती थी कि हिटलर इस वॉर में जीत जाएगा, तब उसकी अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। 12 साल की हेल्गा अपने सामने बाकी फैमिलीज को अपना घर छोड़कर जाते हुए देख रही थी, और रशियन आर्मी ने कई नाज़ी फैमिलीज को मारने की न्यूज़ भी उसने बहुत बार सुनी थी। अबनर ने यह भी बताया कि योसेफ अपने बच्चों के फीलिंग्स को लेकर काफ़ी इनसेंसिटिव थे और उनकी माँ मैग्डा भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अबनर ने और एक बात कही कि बंकर में जाने से पहले मैग्डा गोयबल्स ने अपने बच्चों से ये सभी बातें छुपाने की बहुत कोशिश की, पर हेल्गा को थोड़ी बहुत समझ होने के कारण उसे पता चल गया था कि मैग्डा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैग्डा बाकी नाज़ीज़ की तरह इतने स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में रहकर मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसे डिप्रेशन की बीमारी भी हुई थी। हबनर ने बताया कि मैग्डा को हार्ट प्रॉब्लम्स भी होने लगे थे और उसका फेस का राइट साइड पैरालाइज भी हो चुका था। कभी कभी मैग्डा को अपने बच्चों से दूर ट्रीटमेंट के लिए कई वीक्स तक ड्रेसडन सैनिटोरियम में रखा जाता था। मैग्डा अपने घर पर डिप्रेसिंग सॉन्ग्स के रिकॉर्ड्स लगाकर सुनती थी। हिटलर की सेक्रेटरी ट्रॉडल यंग ने कहा कि बंकर में बच्चे काफ़ी वेल बिहेव थे और हिटलर के साथ रोज़ बैठकर हॉट चॉकलेट पीते थे। हिटलर को वो अपने स्कूल के बारे में बताते थे और उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि हिटलर का बिहेवियर वॉर के प्रेशर से बहुत बदल रहा था, और अपने आर्मी के जनरल्स पर वो चिल्लाकर बॉम्बिंग और अटैक्स के बारे में बातें करते थे। बंकर में ये लोग सिर्फ 10 दिन तक रहे और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उनकी पत्नी इवा ब्राउन ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। मैग्डा ही वो अकेली इंसान थी जिसने हिटलर और इवा को लास्ट टाइम जिंदा देखा था। फाइनली 1 मई 1945 की रात को मैग्डा ने अपने सभी बच्चों को सुलाने के लिए उसने अपनी बेटियों को लॉन्ग वाइट गाउन्स पहनाए और उनके हेयर कॉम की। फिर मैग्डा अपने बच्चों को लेकर ऊपर वुआ बंकर में चली गई। उन्हें मैग्डा ने बताया कि उन्हें वैक्सीनेशन देना होगा। उस समय हिटलर के आर्मी डेंटिस्ट डॉक्टर हेल्मर कुंस वहां मौजूद थे। मैग्डा और कुंस अंदर गए और बच्चों को वैक्सीनेशन के नाम पे उनके बॉडी में मॉर्फिन इंजेक्ट किया, जो एनेस्थीशिया का काम करता है और ह्यूमंस को अनकॉन्शियस यानी बेहोश कर देता है। अंदर मैग्डा और कुंस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए और कुंस बाहर चले गए। मैग्डा 2 घंटे तक वुआ बंकर में रही और फिर नीचे फ्यूरर बंकर में चली गई। उस समय हिटलर के पर्सनल सर्जन डॉक्टर लडविग स्टम्पफेगर भी वहां मौजूद थे। इस समय मैग्डा की आंखें बहुत रेड नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर एक डिप्रेस्ड और सैड एक्सप्रेशन था, और वहां रखे टेबल के पास बैठ गई। योसेफ गोयबल्स फिर मैग्डा को लेकर बिना कुछ कहे बाहर की ओर जाने लगे। उस समय SS डिवीजन के एडजुटेंट गंथर स्वागरमैन गोयबल्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे और वुआ बंकर के स्टेयरकेस से उन्होंने मैग्डा और योसेफ को बंकर से निकलकर बाहर राइट चैंसलरी के गार्डन में जाते हुए देखा था, जहां हिटलर को दफनाया गया था। गोयबल्स के ऑर्डर्स के हिसाब से गंथर को वही रुकना पड़ा। फिर मैग्डा ने अपने हाथों में रखी हुई एक साइनाइड कैप्सूल को लेकर अपने दांतों से क्रश कर दिया और नीचे गिर गई। योसेफ ने मैग्डा का सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए उसने अपने पिस्टल से उस पर गोली चलाई और फिर खुद को भी योसेफ ने गोली मार दी।
स्टेयरकेस में रुके हुए गंतर स्वागरमैन ने ये गोलियों की दोनों शॉट सुने और थोड़ी देर बाद वो ऊपर गार्डन में चला गया। वहाँ गोबेल्स की डेड बॉडीज पड़ी थी और योसेफ गोबेल्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए गंतर ने एक एसएस सोल्जर को उसकी बॉडी में और गोलियां मारने के ऑर्डर दिए। ये होने के बाद उनकी बॉडीज पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई, पर ये बॉडीज पूरी तरह नहीं जल पाई। 2 मई 1945 की आफ्टरनून में सोवियत की रेड आर्मी के सोल्जर्स को बंकर के बाहर दो बॉडीज मिली जो आधी जली हुई थी। मैग्डा का फेस पूरी तरह जल गया था और उसे पहचानना पॉसिबल नहीं था। योसेफ की बॉडी थोड़ी बहुत जल गई थी पर उसका फेस पहचानने लायक बचा था। बच्चों की बॉडीज हुआ बंकर के बेड्स पर पाई गई और उन्होंने नाइट ड्रेस पहना था और लड़कियों के बालों में रिबन्स भी थे। बच्चों के फेस या बॉडी पर कोई इंजुरी के निशान नहीं पाए गए, पर हेल्गा की कहानी कुछ और थी। रशियन आर्मी ने इन बॉडीज की ऑटोप्सी की और रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि हेल्गा के फेस पर इंजुरीज थे और उसका जॉ बोन भी टूटा हुआ पाया गया था। इसका मतलब उन्हें बेहोश किया गया था और मॉर्फिन का इफेक्ट खत्म होने पर हेल्गा को होश आया होगा और जिसने उसकी हत्या की उससे बचने के लिए हेल्गा ने कोशिश ज़रूर की होगी और इस स्ट्रगल में उसे ये इंजूरीज हुई थी। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि सभी बच्चे साइनाइड पॉइजनिंग से मारे गए थे, पर आखिर उन्हें ये साइनाइड किसने दिया था? गोबेल्स फैमिली ने अपने साथ अपने बच्चों की जान भी नाजिज्म को फॉलो करते हुए गंवा दी थी और इस तरह हिटलर की फेवरेट लिटिल गर्ल हेल्गा गोबेल्स और उसकी फैमिली की दर्दनाक मौत हो गई। आपको क्या लगता है उन्हें साइनाइड किसने दिया होगा? क्या उनकी माँ मैग्डा गोबेल्स, जो थोड़े टाइम तक अकेली अपने बच्चों के साथ थी, उसने उन्हें साइनाइड दिया होगा? या उनके पेरेंट्स मरने के बाद किसी और ने जाकर हुआ बंकर में इन बच्चों को साइनाइड दिया? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए।